अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ट्रिक्स के जान से मेहताब खान। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये बेसिकली रिव्यू पे है। तो आज हम रिव्यू करेंगे ऑनर हवावे का मोबाइल Y7। तो अभी ये हाल ही में हफ्ता ही हुआ ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इस पर मैंने इसे परचेस किया है। तो देखते हैं आज इसका कैसे हम ये कैसे रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, बैटरी टाइमिंग कैसी है, इसका जो राइड सिस्टम है वो कैसा है, इसका जो कैमरा है वो कैसा है। तो आज हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका मैंने जो पहले से ही मैंने मिस्टर छुड़ा के साथ इसको ओपन किया हुआ था जब मैं इसे ले रहा था, तो अभी इसे देखते हैं। तो हम इसे एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन होने के बाद अब ये ऐसा इसका ये लुक लाइक है वैसे। तो ये आप देखिएगा, ये इसका जो है एंड्राइड, ये यहाँ से इसको मैं ऑफ है, इसे मैं एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसकी आप बेसिकली शेप देख लें, इसका जो सेंसर है, उसके बाद फिंगरप्रिंट जो सेंसर है, उसका जो कैमरा है, बेसिकली इसमें जो कैमरे हैं वो तीन कैमरे हैं। तो इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, और उसके अलावा इसकी मैं देखते हैं कि इसमें 1280 तो होगी वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन इसमें 4K वीडियो है सपोर्टेड भी है या नहीं है। तो अभी इसे ऑन होने के बाद हम इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे। तो ये हमारा ऑन हो गया है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है हम इसे देख लेते हैं। जब आप इसको लेंगे उसके बाद इसे जब आप ऑन करेंगे तो सेम इसका ऐसे ही लुक होगा। तो अभी हम इसकी जस्ट हम इसको सेटिंग्स पे करते हैं। तो मैं इसकी सेटिंग ओपन करता हूँ। तो ये बेसिकली ओरियो है, तो इसीलिए इसकी सेटिंग थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ से हम इसके सिस्टम में चले जाते हैं, उसके बाद अबाउट में चले जाते हैं। तो अबाउट ये देख रहे हैं आप इसकी हवावे Y7 प्राइम, और उसके बाद इसका मॉडर्न, उसका एंड्राइड, और उसके बाद अब हम इस पर करते हैं, इस पे जो हम इसकी जो इमेज है वो देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसका जो इसका अच्छे इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा है। तो अगर इसका पोर्ट्रेट मोड हमने ऑन करना है तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको एक दफ़ा पार्चर है इसे इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ मैं रखता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो वो उसको ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर लेगा। तो अभी मैं एक तस्वीर कैप्चर करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये कैप्चर हो गया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये आप देखिएगा, इसने जो बैक पीछे जो है वो ब्लर कर दिया, और जैसा लुक है जैसे DSLR में काफ़ी हद तक, वैसे तो मैं आपको नहीं कहूँगा 100% DSLR वाला इसमें रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नहीं, 70 से 80% तक अब बहुत यूनिक है इसका। तो उसके बाद इसकी जो LCD है वो देखें, फुल HD रिज़ल्ट है इसका। देखें यहाँ से कॉर्नर आप देखें इसका, तो बहुत ही एक अच्छा ओवरऑल है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो प्राइस है वो है 20,000। तो आप 20,000 में ओवरऑल ये एक बेहतरीन मोबाइल है, अगर आप इसे इस रेंज में परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसमें अब गेमिंग टेस्टिंग रह गई है, तो इसका जो प्रोसेसर है वो भी मतलब क्वाड कोर 1.4 है इसका। तो इससे आप अच्छी परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग के लिहाज से ठीक ही है। ओवरऑल इसमें जो कैपेबिलिटी है वो कमाल की है, 32 GB इसकी मतलब मेमोरी है, और उसके बाद 3 GB इसकी रैम है। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी से बताइएगा कि कैसा है ये सेट, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टुडे फ्री ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के दरमियान में गोल सा बटन आ रहा है यार, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।